कभी कभी तकदीर का फैसला हुनर के विपरीत होता है, पर हर समय तकदीर का दोष हो ऐसा नहीं होता। इंसान के गलत कदम के कारण तकदीर भी बिगड़ जाती है। फिल्म जगत के अनगिनत सितारे ऐसे भी थे जिनमें हुनर की कोई कमी नहीं थी, पर बुरे वक्त में उनका हुनर किसी काम नहीं आया। फ्लॉप फिल्में देने के बाद जब रोशनी बुझने लगी तो रिटायरमेंट उनका आखिरी फैसला होता है, पर कंपटीशन की कश्मकश में हिट फिल्में देने के बाद भी अगर कोई रिटायर हो जाए तो दर्शक भ्रमित हो जाते हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज मैं एंकर भैरवी मामनिया आपको ऐसी एक्ट्रेस की कहानी सुनाऊंगी जिसने दर्शकों को खूब भ्रमित किया। वो थी काजल किरण। इनके चाहने वालों को ये भ्रमित कर देने वाली बात बुरी लगी होगी। बात का उद्देश्य यह है कि जिन्हें हम स्टार बनाते हैं बाद में वो एक्टर दर्शकों की भावनाओं की कदर नहीं करता। हाँ, कुछ कलाकार हैं जो इससे विपरीत हो सकते हैं। खैर, कहानी की शुरुआत बचपन के साथ करते हैं। 18 अक्टूबर 1958 को मुंबई में जन्मी काजल किरण का असली नाम सुनीता कुलकर्णी है। सामान्य मराठी परिवार में जन्मी किरण पढ़ाई में शुरुआत से होशियार थी। कहा जाता है कि उनके खानदान में कोई तो था जो फिल्म जगत से जुड़ा हुआ था। काजल के माता पिता के बारे में जानकारी तो नहीं है, पर वे फिल्म जगत से दूर ही थे। घर में काजल सबसे बड़ी थी और उन्हें दो भाई भी है। अपने स्कूल के जमाने से उन्होंने सोच लिया था कि वे एक डॉक्टर बनेगी, पर साथ ही उनके मन में फिल्मी दुनिया के सपने भी बसे थे। इसलिए जब वे 15-16 साल की हो गई तब फिल्मों में काम करने की कोशिश करने लगी। एक दिन दूर के रिश्तेदार की मदद के कारण काजल की मुलाकात फिल्मकार नासिर हुसैन से हुई। ये किस्सा बड़ा मजेदार है। हुआ यूं कि काजल मैक्सी पहनकर इतने बड़े फिल्मकार के घर गई, पर उनकी भूल को नजरअंदाज करके नासिर ने तय किया कि वे उनकी आने वाली फिल्म की अभिनेत्री बनेगी। साल 1976 के दौरान वे हम किसी से कम नहीं फिल्म बना रहे थे, जिसमें ऋषि कपूर और अमजद खान जैसे जबरदस्त एक्टर्स थे। उस वक्त काजल की किस्मत उड़ान पर थी और इतने बड़े फिल्म के रूप में उन्हें सब कुछ सजा के मिल रहा था। फिल्म के शूटिंग के दौरान काजल 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, इसलिए फिल्म के डायरेक्टर ने तय किया कि काजल का ज्यादा प्रमोशन नहीं होगा। इस वजह से उनका असली नाम बदल के काजल रखा गया। वे ना ही किसी फिल्म समारोह में जाती और ना ही उनकी किसी मैगजीन में फोटो छपती। फिल्म के शूटिंग के दौरान बाकी फिल्मकारों को पता चल गया था कि नासिर हुसैन ने नई अभिनेत्री को लॉन्च किया है। अफवाह ये फैल गई कि नासिर के फिल्म के अलावा काजल कोई अन्य फिल्म नहीं करेगी। इस वजह से जब हम किसी से कम नहीं रिलीज हुई तो उन्हें अगले एक साल तक कोई काम नहीं मिला। बावजूद इसके कि ये फिल्म उस जमाने की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी फिल्म रही, काजल किरण रातों रात सुपरस्टार बन गई। क्या हुआ तेरा वादा और ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, ये दो गाने लोगों के जुबान पर चढ़ गए। काजल के 10वीं एग्जाम के बाद नासिर हुसैन ने सही मामले में फिल्म की प्रमोशन शुरू की। जैसे ही काजल का चेहरा लोगों के सामने आने लगा, वैसे ही उन्हें अन्य फिल्मकारों ने साइन करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि काजल ने 2-3 नहीं, पूरे 25 से भी ऊपर फिल्में साइन कर ली। अपनी पहली फिल्म की सफलता के बाद काजल किरण ने सोचा कि वे अव्वल दर्जा की अभिनेत्री बनेगी। अपने सपने को सच्चाई का रूप देने के लिए 1-2 साल घर में गुजारते हुए उन्होंने डांस भी सीखा और 1980 के दौरान अभिनेता जितेंद्र के साथ
उनकी मांग भरो सजना फिल्म आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया और ये काजल की लगातार दूसरी हिट फिल्म रही। 1979 के दौरान काजल ने जो 20-25 फिल्में साइन की थी उसमें रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म सबूत भी थी। मांग भरो सजना के बाद रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, पर अगले साल 1981 में काजल की अगली फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम था वारदात, जिसमें मिथुन काजल के हीरो बने थे। ये फिल्म मिथुन के करियर की बड़ी फिल्म साबित हुई, पर काजल का करियर यहाँ से डगमगाने लगा। कुछ फ्लॉप फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने दो मलयालम फिल्में की। उनमें से एक फिल्म हिट रही, पर वारदात की तरह 1984 में भी उनका करियर नहीं चमका। फिर 1985 में हेमा मालिनी के साथ उनकी आंधी तूफान फिल्म आई। ये उस जमाने की सुपरहिट फिल्म होने के बावजूद काजल किरण के करियर का सहारा नहीं बना। 1985 के बाद फिल्मों की लीड हीरोइन रही काजल किरण को अंततः साइड एक्ट्रेस का दर्जा मिलने लगा। ग्लैमरस नेचर और खूबसूरती के साथ एक्टिंग का हुनर होते हुए भी काजल किरण पर डाउनफॉल की नौबत आई। काजल किरण के स्वभाव की बात करें तो वे बहुत ही शांत थी, अच्छा बर्ताव और सॉफ्ट नेचर की थी। फिल्मों में काम करते हुए उनकी पढ़ाई भी छूट गई थी। उन्हें एक डॉक्टर बनना था, पर फिल्म जगत में आने के बाद काजल सिर्फ एक साल कॉलेज गई। उनके मन में धारणा बैठ गई कि दर्शक उन्हें भुला रहे हैं। ना ही उन्हें कोई बड़ा डायरेक्टर काम दे रहा था और ना ही उनकी कोई फिल्म हिट होती थी, और ऊपर से बी ग्रेड फिल्मों की वजह से उनकी छवि भी बिगड़ने लगी, और इसी कारण के साथ उन्होंने फिल्म जगत से संन्यास लेने का फैसला किया। वो चाहती तो कैरेक्टर रोल अपना सकती थी या फिर साइड हीरोइन के रूप में भी अपना करियर बढ़ा सकती थी, क्योंकि 12 साल के बाद भी हम किसी से कम नहीं इस फिल्म की हवा चल रही थी। अपने करियर में लगभग 46 फिल्में करने के बाद 1990 में काजल किरण ने संन्यास ले लिया। उनकी आखिरी फिल्म औरत और पत्थर 1989 में रिलीज हुई थी। फिर रिटायरमेंट के बाद काजल की अन्य फिल्में रिलीज हुई। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि 90s के साल में काजल किरण ये नाम इस कदर गायब हुआ कि अगले 20 साल तक उनका पता नहीं चला। दर्शक के साथ बड़े बड़े फिल्मकार और एक्टर्स को भी पता नहीं चला कि काजल किरण कहाँ चली गई। पर रिपोर्ट्स के आधार पर ये बात सामने आई है कि काजल किरण महाजन नामक NRI से शादी करके नीदरलैंड बस गई थी। आज काजल किरण 63 साल की हुई है और वो ना ही किसी से बात करना चाहती है और ना ही अपना चेहरा दर्शकों को दिखाना चाहती है। काजल किरण का फैसला उनके खुद के लिए सही हो सकता है, पर दर्शकों के नजरिए से उनका इस कदर गायब होना कला और फिल्म जगत को धोखा देने जैसा है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।